Assalamu alaikum. I hope I am live and I am talking to all the aspirants of CSS 2019. Jitne bhi log isme qualify hue, sabse pehle to unko congratulations. Aur tamam wo log jo isme reh gaye hain is attempt ke andar, unke liye mera ye special message hai jiske liye main abhi live aaya hu, online aaya hu. मैं अपना तारुफ करवा दूँ. मेरा नाम हसन जहांगीर वट्टू है. आई एम फ्रॉम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, CSS 2014. तो बात यह है जो मैंने आप सबसे करनी है वो ये है कि यार देखें, ये सब जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, आप यू ट्राई फॉर समथिंग एंड यू आइदर सक्सीड और यू फेल एट इट. तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी इस चीज़ की होती है कि ये इस एग्ज़ाम के अंदर आप मतलब ना पास हों, बिकॉज 97 to 98% पीपल फेल इन दिस एग्ज़ाम, जो कि एक बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी है. तो द मोमेंट यू आर गेयरिंग अप फॉर दिस एग्ज़ाम, यू नो दिस फैक्ट. एंड इंसान के जहन के अंदर ये चीज़ शुरू से होनी चाहिए. मेरे जहन में भी थी, मेरे साथ जितने भी मेरे कलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबके माइंड में ये चीज़ होती है व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस एग्ज़ाम कि यार दिस कैन एंड इन फेलियर. और ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी इस चीज़ की है कि दिस कैन एंड इन फेलियर इन दैट. तो विद दैट इन माइंड हम सब ये एग्ज़ाम देते हैं और हमें होता है यार अगर इसमें कामयाब हो गए, जो कि अगर हम 3% के अंदर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हुए तो फिर हमारे पास प्लान बी होना चाहिए. तो इस एग्ज़ाम के अंदर मेरे बहुत सारे मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे अजीज़, इवन बहन भाई, कज़न्स, ये वो काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिए. तो जब भी कोई इस एग्ज़ाम के अंदर इस एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहा होता है या इसके अंदर कोई रह जाता है मेरे अजीज़ों में से, मेरे करीबी दोस्तों में से, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ. मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ और हाथ पकड़ के मैं कहता हूँ ये ज़रा मेरे साथ बाहर रोड के ऊपर आके खड़े हो. तो जब हम रोड पर जाके खड़े होते हैं और किसी बाज़ार में जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी शादी में, किसी यू नो रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैं जाके कहता हूँ यार ये देखो ये लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, कितने खुश हैं, फैमिलीज़ के साथ बाहर आए हैं. रोड के ऊपर निकलो तो हर बंदा अच्छी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, हर बंदा खुश है अपनी लाइफ के अंदर. लोग साइकिल के ऊपर भी जा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो है वो खुश हैं, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे होते हैं. तो मैं कहता हूँ यार इनमें से बताओ कितने CSS ऑफिसर्स हैं. तो उसके पास यही जवाब होता है कि इनमें से बहुत कम, इन हज़ारों लोगों में से हो सकता है कोई एक हो. तो मैं कहता हूँ यार अगर खुशी और गम जो है वो इस एक एग्ज़ाम के साथ अटैच्ड होता, फिर तो सिवाय जो CSS करते हैं बाकी सारे तो दुखी होते हैं ना, यहाँ पे दुखी बैठे होते. मतलब आई डू अंडरस्टैंड इट इज़ अ बिग ड्रीम और कुछ लोगों के लिए यही सारा कुछ होता है, बट खुशी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम से नहीं मिलती. ठीक है, खुशी जो है एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, और मतलब वो आपकी जो एक मतलब आपने खुशी की जो परसेप्शन बनाई हुई है अपने अंदर उससे मिलती है आपको. समटाइम्स ये होता है कि हम लोग जो CSS कर भी जाते हैं, हमारे भी कुछ हमारी अच्छी पोस्टिंग्स आती हैं, कई दफ़ा लाइफ के अंदर अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं, कई दफ़ा बुरे इंसिडेंट्स होते हैं. तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. इवन सर्विस में आने के बाद भी आप टॉप भी कर जाएं CSS के अंदर, फिर भी मतलब इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आपको लाइफ के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो मिलेगी जो आप डिज़ायर करके सर्विस में आए थे. इसलिए ये है कि बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए और बंदे को आगे का सोचना चाहिए. अगर आपके पास अटेम्प्ट्स बाकी हैं तो आप ज़रूर दें वो अटेम्प्ट्स, और अगर नहीं है अटेम्प्ट्स बाकी तो और भी अच्छा, आपका माइंड क्लियर हो गया अब लाइफ के अंदर क्या करना है, और आप स्ट्रगल करें और आप देखें कि यार रोज़ी रोटी और खुशी और कामयाबी लाइफ के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने रखी हुई है. सिर्फ इस एक एग्ज़ाम को जो है वो आप ये ना समझें कि ये नहीं हुआ तो बस कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, सो जिनके अटेम्प्ट्स नहीं बाकी उनके लिए ये कि मूव ऑन एंड यू हैव अ लॉन्ग लाइफ टू लिव एंड यू हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स वेटिंग फॉर यू अहेड. आप लोग उसके लिए कोशिश करें और मेरी आपके लिए दुआएं हैं, आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं, और अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे. और अगर आपने CSS के बारे में जिनके अटेम्प्ट्स बाकी हैं अभी उन्होंने मेरे से कोई गाइडेंस लेनी है तो आई एम ऑलवेज देयर. और वो लोग जिनके अटेम्प्ट्स नहीं बाकी उन्होंने भी फ्यूचर के बारे में और कोई मशवरा करना है तो अगेन आई एम ऑलवेज देयर. एंड बेस्ट ऑफ लक और खुश रहे हमेशा. थैंक यू.